नागपुर में राजपूत सेवा मंच ट्रस्ट की वार्षिक सर्वसाधारण सभा आभासी तरीके से संपन्न हुई है। इस सभा में राजपूत सेवा मंच की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इस सभा में वर्ष 2020-21 के लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया। इस मंच के सचिव नितिन सिंह गौतम ने बताया कि यह मंच पिछले 5 वर्षों से समाज के गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाई के साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवा में मदद कर रहा है, साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा और त्रासदी में भी बढ़ चढ़ कर समाज कार्य कर रहा है। हमारा यह ट्रस्ट पिछले 5 सालों से समाज के गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद करता है तथा जिनको आरोग्य सेवा की आवश्यकता होती है उनको भी मदद करता है। हमारे संस्था के सर्वश्री श्याम सुंदर सिंह जी चौहान तथा श्री ललित सिंह जी चौहान ये हमारे मार्गदर्शक हैं। इनके मार्गदर्शन में हम पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। अभी अभी जो नई कार्यकारिणी बनी है उसमें श्रीमती रजनी सेंगर जी इनके मार्गदर्शन में सभी कार्यकारिणी सदस्य काम करते हैं। उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी सेंगर इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलते रहता है। हमारे संस्था के ट्रेजरर सीए श्री प्रबल सिंह ठाकुर ये बिल्कुल अकाउंटेंसी में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कार्यकारिणी सदस्य श्री सतीश सिंह जी बैस, श्रीमती रश्मि बैस, श्री चंद्रशेखर सिंह जी गहलोत इनका भी मार्गदर्शन और इनकी मेहनत सफलता को छू रही है। समाज के हमारे जो अन्य लोग हैं वो हमारे संस्था को आर्थिक मदद और सेवाएं देते रहते हैं। संस्था के अलावा हमारी जो अभी जो फिलहाल में कोविड चल रहा है इसमें भी सरकार को हम मदद करते रहते हैं। इस वर्ष के नए कार्यकारिणी में अध्यक्ष श्रीमती रजनी सेंगर, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह सेंगर, सचिव नितिन सिंह गौतम, सह सचिव नीता सिंह, कोषाध्यक्ष प्रबल सिंह ठाकुर, श्याम सुंदर सिंह चौहान, सतीश सिंह बैस, रश्मि बैस, चंद्रशेखर सिंह गहलोत शामिल हैं। NBCN न्यूज के लिए एकता गहरवार की रिपोर्ट।